नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मोबाइल को हैक कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, मोबाइल को हैक किया जा सकता है। चलो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोबाइल को कैसे हैक किया जाता है। अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका बच्चा है, कोई भी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई गलत काम कर रहा है, कि कोई भी आपको कैसी भी चीज़ लग रही है, तो आप उसका मोबाइल आसानी से हैक करके आप उसके मोबाइल पर जो भी क्रिएटिविटी हो रही है वो आप सब इजी देख सकते हैं अपने मोबाइल पर। वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसका मोबाइल देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि मोबाइल में से कैसे दूसरे मोबाइल को हैक किया जाता है। तो पहले हमको क्या करना होगा, पहले जिसका मोबाइल हमें हैक करना है उसका मोबाइल सिर्फ चंद सेकेंड के लिए या चंद मिनट के लिए आपको उसको अपने हाथ में लेना होगा। फिर क्या करना होगा, जैसे ही उसका मोबाइल अपने हाथ में आ जाए फिर आपको गूगल पे जाना है और उसमें लिखना है एंड्रॉयड डॉट द ट्रूथ स्पाई, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं एंड्रॉयड द डॉट द ट्रूथ स्पाई। आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे एक पेज खुल जाएगा द ट्रूथ स्पाई नाम का, उसमें आपको ओके दबा देना है। जैसे ये पेज खुलता है इसमें डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर से एक ऐप आपको डाउनलोड करना है जो इस लिंक पे से आपको मिल जाएगा। डाउनलोड लिंक पर दे देना। चलिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। देखिए यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए मैं इसको अब इंस्टॉल कर देता हूँ। अब आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसमें क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब ये मैंने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे ओपन कर देता हूँ। अब आप जब ओपन करेंगे तो एक ऐसा पेज खुल जाएगा जिसको आपको नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक लॉगिन अकाउंट आ रहा है और रजिस्टर न्यू अकाउंट आ रहा है। अगर आपका अकाउंट नहीं है इसमें तो आपको रजिस्टर न्यू अकाउंट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ टर्म एंड यूजेस है जो आपको पढ़कर इसे एग्री बटन दबाना है। अब जैसे ही एग्री बटन दबाएंगे आपको एक ईमेल पूछा जा रहा है और पासवर्ड और रिटेक पासवर्ड, इसमें आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर दे। चलिए मैं आप आईडी डाल देता हूँ। और हाँ, याद रखें कि आप अपना आईडी और पासवर्ड मत भूलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए मैंने अपना आईडी डाल दिया है। अब इसमें हमें जो पासवर्ड रखना है वो हम पासवर्ड डाल देंगे। मैंने पासवर्ड डाल दिया है। अब वही पासवर्ड जो आपने अगली बार लगाया है वही पासवर्ड आपको दोहराना है। और ध्यान रखिए कि दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट में आपको दे देना है। देखिए ये रजिस्टर अकाउंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक्टिवेट कर देना है। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे और एक बात आपको नहीं भूलनी है कि इस एप्लीकेशन को आपको हाइड आइकॉन द ट्रूथ स्पाई पर क्लिक करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन जिसके फ़ोन में भी होगा वो सामने दिखाई देगा
और आप इस एप्लीकेशन को देख पाएंगे। लेकिन आप अगर ये हाइड आइकॉन द ट्रूथ स्पाइक पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन अपने आप हाइड हो जाएगा चुका है। अब हम चाहते हैं कि मेरा मोबाइल में अभी क्या हो रहा है, तो हम इसे कैसे देखें, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हमें अपने मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जाना है और उसमें गूगल में जाना है। गूगल में जाकर हमको सर्च इंजन में लिखना है द ट्रूथ स्पाई डॉट कॉम। यहाँ पर आप देख सकते हैं द ट्रूथ स्पाई डॉट कॉम लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। याद रखिए द ट्रूथ स्पाई डॉट कॉम यहाँ पर पहली वेबसाइट दिखा रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक ऐसी वेबसाइट खुल जाती है जो कि आप देख सकते हैं। अब आपको इस वेबसाइट में क्या करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर एक साइन इन का बॉक्स है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन पर हम क्लिक करते हैं एक पेज खुल जाता है, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। उसमें हमने पहले जो ईमेल आईडी डाला था वो हमें ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। चलिए मैंने अपनी आईडी डाल दी जो कि मैंने पहले डाली थी। अब हमें अपना पासवर्ड तो याद ही होगा, अब बस यहाँ पर पासवर्ड डालना है। मैंने अपनी आईडी डाल दी है, अब यहाँ हमें पासवर्ड डालना है। जैसे हम पासवर्ड डालते हैं यहाँ पर एक लॉगिन का बटन है, लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक पेज सा खुल जाएगा, उस पेज में हमने सब एक कर लिया है जो कि हमें करना है। देख सकते हैं आप ये एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि मैंने हैक किया है, और उस फ़ोन जो यूज़ कर रहा है उस फ़ोन का नाम है LG D722 और यहाँ पर नीचे सब आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर SMS है, कॉल हिस्ट्री है, ऑटो आंसर है, GPS हिस्ट्री है, URL हिस्ट्री है, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री, आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं, WhatsApp की हिस्ट्री देखना चाहते हैं, Facebook की हिस्ट्री देखना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर एक SMS लिखा गया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज सा खुल जाएगा, उसमें जो जो SMS किए गए हैं या फिर रिसीव किए गए हैं वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कन्वर्जेशन है, रिसीव है जो कि रिसीव किए गए हैं वो सब SMS यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर सेंड बटन है, तो सेंड बटन पर जो हमने मैसेज किए हैं वो सब दिखाई देंगे, और यहाँ पर कॉल हिस्ट्री है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो जो भी हमने कॉल किए हैं, जो रिसीव किए हैं और जो भी मिस कॉल है सब हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर, सब मेरे कॉल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये मिस कॉल का डब्बा है, एक कॉल किया है उसका डब्बा है, आप सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पर GPS हिस्ट्री है कि कहाँ कहाँ गए वो भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि इसमें ये स्टैंडर्ड वर्जन है वो एकदम फ्री है। अगर आपको WhatsApp और ये सब जानकारी चाहिए तो ये प्रीमियम वर्जन है, और इसकी जानकारी चाहिए तो ये गोल्ड वर्जन है। आपको जिसकी जानकारी चाहिए वो आपको वर्जन पे करना होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो आपको दिखाया वो बिल्कुल फ्री है, वो आप फ्री में देख सकते हैं। तो आप किसी का भी फ़ोन ऐसे हैक कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़रूर लाइक करें।